आपने ये चीज़ कई बार नोटिस की होगी कि जब भी आप वॉच के ऊपर देखते हो तो 11:11 होते हैं, और ऐसा आप कई बार देखते हो। ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है उन लोगों के साथ जो कि इस वक्त स्पिरिचुअल वेकनिंग की जर्नी से निकल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें एंजल नंबर 11 की तो ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो जब भी आप 11:11 घड़ी पर या किसी और जगह देखते हो, अपने थॉट्स को लेके पे अटेंशन हो जाएं, क्योंकि इस वक्त आपके जो थॉट्स होते हैं वो हाई मैनिफेस्टेशन के मोड पे होते हैं। तो आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज है नवंबर 11 यानी 11 तारीख, 11वां महीना, और आज का दिन एक तरीके से डोरवे है आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का। सबसे पहला स्टेप है राइट व्हाट यू डिज़ायर डाउन इन द फॉर्म ऑफ आई एम। चाहे सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लें और पेपर के ऊपर अपनी डिज़ायर लिखें। इसको लिखने का भी एक तरीका है, जैसे कि आपको अपनी जो डिज़ायर लिखनी है वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, जैसे कि आपने वो चीज़ ऑलरेडी पा ली है। ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नहीं। आपको जो भी सेंटेंस लिखने हैं उसको शुरुआत करनी है आई एम से और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको फ्यूचर टेंस में इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि आपको अपनी डिज़ायर इस वक्त चाहिए, अभी चाहिए, ना कि आने वाले फ्यूचर में चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी विद लव ऑफ माई लाइफ। इसमें क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट मोमेंट की कर रहे हैं, कि आप बहुत खुश हो जिससे आप प्यार करते हो। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है रीड इट आउट लाउड। जब आपने सोच लिया कि आपकी क्या डिज़ायर है और उसको आपने पेपर के ऊपर लिख दिया, तब आपको अपने मुंह से बोलना है, ना कि मन में दोहराना है, अपने मुंह से बोलना है जो भी डिज़ायर आपने लिखी है। आपको नॉर्मली बोलना है, इतना स्लो भी नहीं बोलना है कि आप उसको सुन ना पाओ। आपको इस तरीके से बोलना है कि आप अपनी बात को अच्छे से सुन पाओ। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है फील योर डिज़ायर। गाइस, जब आप अपनी डिज़ायर को बोल रहे होंगे तब उस चीज़ को आपको फील करना है। एक तरीके से आपको विजुलाइजेशन भी करनी है कि जैसे वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है, और मिलने के बाद आपको उस चीज़ का कैसे फील हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सोचा है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको सिंपली उस जगह का विजुलाइजेशन करना है, अपने माइंड में उस चीज़ को इमेजिन करना है और फील करना है कि जैसे आप वहाँ पे हो तब आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, आप क्या क्या वहाँ देख रहे हो, क्या क्या फील कर रहे हो, कितने खुश हो। आपको डिटेल में उस चीज़ को विजुलाइजेशन करना है। गाइस, आपको अच्छे से फील करना है, अपनी 5 senses को भी यूज़ करना है। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब वर्क करता है जब आप अच्छे से फील करते हो अपनी डिज़ायर को, ना कि बोलते हो या सोचते हो। आपको एक एक चीज़ को अपनी इमेजिनेशन में डालना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या इंजॉय कर रहे हो, आपको कैसा फील आ रहा है, आपने वहाँ पे क्या क्या किया। आपको एकदम डिटेल में अपनी 5 senses को भी आपने यूज़ करना है। गाइस, जो आपके थॉट्स होते हैं वो एक तरीके से एनर्जी है, और एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो जितने अच्छे से आप अपने थॉट्स को उस चीज़ के ऊपर लगाओगे, इमेजिनेशन करोगे, उतना ही आप अच्छे से अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। 4th step है आस्क फॉर असिस्टेंस। गाइस, आपको अपने एंजल से हेल्प मांगनी है, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगनी है, अपनी हायर सेल्फ से हेल्प मांगनी है कि वो आपकी मदद करें इस प्रोसेस में। मैं जानता हूँ ये बहुत ही कुछ लोगों को अजीब लगेगा, बट ये चीज़ वर्क करती है। अगर आप कुछ चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आप हेल्प मांगिए डिवाइन से, और जब आप हेल्प मांगेंगे तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएगी जिससे आप आसानी से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे उस चीज़ को पा सकेंगे। तो आस्क फॉर हेल्प बहुत ही ज़रूरी है। इससे अगला स्टेप है बी ओपन फॉर समथिंग बेटर। गाइस, ऑलवेज पॉजिटिव रहें,
जैसे कि आपने पहले लिखा, उस चीज़ को बोला, फिर फील किया, आप फिर उस चीज़ को छोड़ दें भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर। गाइस कई बार क्या होता है कि आपने जो मांगा है यूनिवर्स से, डिवाइन से, जो चीज़ आपने मांगी है, आपको उससे भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है, तब आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अगर आप कहें कि उस चीज़ को पूरा दिन करते रहें, ऐसा नहीं, आपको कुछ देर टाइम स्पेंड करना है अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के लिए। उसके बाद आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना है, उसको पकड़े नहीं रहना है। आपने यूनिवर्स को बता दिया है कि आपको ये चीज़ चाहिए, वो चाहे आप किसी भी टेक्निक को 5 मिनट में पूरा करें, 10 मिनट में करें, 15 मिनट में करें, इसमें कोई वो बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को अच्छे से करना है, चाहे कम टाइम लें चाहे ज़्यादा टाइम लें, बट टेक्निक को ख़त्म करने के बाद आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना है। उसके बारे में सोचना नहीं है, आपको अपने दिन के बाकी काम करने हैं, उनमें मन लगाना है। गाइस क्या होता है, जब आप सोचते रहते हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के बाद, तो आपके मन में बड़े डाउट से आ जाते हैं कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये कब होगा, कितना टाइम लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक करनी है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को लेट गो कर देना है, बिल्कुल भूल जाना है कि आपने क्या चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में वो चीज़ तो आएगी आएगी जो आप पाना चाहते थे, क्या पता उससे अच्छा भी आपको लाइफ में मिल जाए। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना भूलें, रिलीज़, लेट गो, ये दो चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो इन दो चीज़ों के बिना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको रिलीज़ करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव बिलीव्स को, और लेट गो करना है अपने डाउट्स को। जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कब मिलेगा, आपको ये सारे डाउट्स, ये सारी चीज़ें लेट गो करनी है और अपने आप को सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर कि मैं सरेंडर करता हूँ एंड आई ट्रस्ट यू, और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। इससे अगला स्टेप है बी ग्रेटफुल। गाइस आपको थैंकफुल रहना है, जो भी आपके पास ऑलरेडी है इस वक्त, उस चीज़ के लिए थैंक यू फील करें, ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, भगवान को, स्पिरिट गाइड्स को। हर दिन आप थैंकफुल रहें। क्या होता है कि हम हर दिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो, फिर भी हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद रहना है जो भी आपके पास हैं, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद वाली फीलिंग अपने मन में रखनी है। मैं आपको हाई रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम दिन के 5 मिनट ग्रेटिट्यूड फील करें उन सब चीज़ों के लिए जो भी आपके पास हैं। इससे अगला स्टेप है कीप योर वाइब्रेशनल एनर्जी हाई। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। मैं जानता हूँ आजकल बहुत सी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं लोगों की लाइफ में, बट कहीं ना कहीं अपनी डिफ़िकल्टीज़, जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज आया है, अगर आप उस पर नाकाम हुए हो, कोई बात नहीं, बट आपको उस चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, तो आपको उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव होना है, ना कि अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आनी है, नेगेटिव थॉट्स लेके आने हैं, अपने आप की एनर्जीज को लो करना है। आपको अपने माइंड में से विक्टिम मेंटालिटी को निकालना है कि आप ये ना सोचें कि हाँ मेरी लाइफ में बुरा चल रहा है या लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है गाइज वो नेगेटिव हो जाती है, लो हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तभी कर पाते हो जब आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी हाई होती है। तो सबसे ज़रूरी यह चीज़ है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए। जब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा तब कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं, वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, वो हाई हो जाएंगी।
और आप आसानी से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।